हेलो, अबे कहाँ हो बे? घर पे हूँ। अबे घर पे का अंडा दे रहे हो? अंडे तो नहीं दे रहा, पर कुछ तो जरूर दे रहा हूँ मैं इस टाइम। अबे सरकार लॉकडाउन लगा रही है बे वीकेंड पे। लॉकडाउन लगने वाला यार, फिर से क्या बात कर रहे हैं यार? और नहीं तो क्या, क्या करें? दारू पिए? साले आराम ही हो तुम, एक नंबर है ना। वैसे अच्छा कि तुम यहाँ आ गए यार, वरना हमारा लॉकडाउन तो खराब हो जाता है ना। मेरे को भी यही लग रहा था यार, घर बैठे बैठे मैं बोर हो जाता। सही में कितना मजा आएगा ना जब हम तीनों बैठ के पार्टी करेंगे। तीनों? तुम, हम और दारू हैं। मजा आएगा। नहीं, तुम, हम और जोरू। जोरू मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ क्या करने आ रही है? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? पार्टी। तो वो क्यों आएगी पार्टी? एक मिनट, हमारे घर में कोई लौंडिया नहीं आएगी, पहले बता रहे तुमको। देख यार मेरी बात सुनना, आज की रात है, थोड़ा सा तेरे साथ बिता लूंगा, थोड़ा सा उसके साथ बिता लूंगा। नहीं 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 नहीं, हमारे घर में कोई लड़की नहीं आएगी। ठीक है यार, एक तो तुमने लड़की लड़की ना बोल, और तेरी ऐसी क्या फट रही है, मैं उसको रात को छोड़ाऊंगा। नहीं यार, बस फाइनल हो गया, हम हमारे घर में कोई लड़की नहीं आएगी, फाइनल है, बस हम डिसाइड कर लिए। अब मुंह का बना रहे हो? तो क्या बनाऊ? चाय बना लो। हमारा मतलब है कि बुला लो। गुलू गुलू गुलू। मत करा, बुलाना क्या है, वो तो पहुंचने वाली है। मैंने तो कैब बुक करी थी। अबे तुम पागल हो क्या? तुम हमारी हालत देख रहे हो, कच्चे बैठे यार, कैसे तुम बेवकूफ आदमी हो यार तुम भी। अबे कच्चा थोड़ी, इसको तो बरमूडा बोलते हैं। ओ मेरा बरमूडा ट्रायंगल भी पहुंच गया। अबे हैरी, ये पेंट देखने कैसी लग रहा है? क्या हुआ? ओ ये मेरी वो जरूर है। अरे मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? ये मेरा दोस्त मयंक। पार्टी शुरू करें हैं? पार्टी? हाँ, तू जा मोबाइल लेके आ। जा रहा हूँ। Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. Hi, this is you. Guys, उठो, सुबह हो गई है, उठो जल्दी उठो. वीकेंड लॉकडाउन लग गया, बहुत ज्यादा मजा आएगा. थैंक गॉड मैं अपने सारे कपड़े लेकर आई थी. ओ, बस एक लोअर भूल गई थी, तो तुम्हारी शॉर्ट्स पहननी है. मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया, घर का बाकी सारा काम तुम दोनों करोगे. जल्दी उठो, आई एम वेरी एक्साइटेड. ये तो हमारे घर में कब्जा करके बैठ गई बे. क्या बोल के गई है ये? देखो तुम फटाफट से अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चलती का नाम गाड़ी बनो. तेरा दिमाग खराब है क्या?
लॉकडाउन हो रखा है, बाहर पुलिस वाले पता कितने डंडे मारते हैं। ये सब हमको नहीं मालूम है। तो इसमें मेरी क्या गलती है साले? अगर लॉकडाउन हो गया तो दो दिन को बात है यार, मान जाना यार। अबे चुप करो यार, हम बाहर जा रहे हैं, सर दुख रहा है। मेरे को लग रहा है मेरी भी बहुत जोर की टट्टी आ रही है, मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा बिल्ले शुगरो यार पता फिगरो। छुट्टी पुणे नंदिनी सुन रहे थे ना मने कन्नु कन्नु वच्चा पल्ला कई ये वच्चा अम्मनी। मेरे मन को किया तूने क्या यार? हमको क्या लगता है? क्या लगता है? तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो ठीक नहीं है। क्या हुआ, बुखार है क्या उसे? बे मतलब हमको उसके लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। बे यार, जब भी हमको देखती है ना बहुत बुरी नजर से देखती है। बे भाभी पे इल्जाम लगा रहा है तू अपनी? मुझे पता है साले, तेरी इसीलिए जल रही ना कि इतनी हॉट बंदी मेरी बंदी कैसे बन गई। मैं सब पता है, तेरे अंदर नशे हो गए हैं। और जब नशे हो जाते हैं ना तो फिर करने का दिल करता है। जब क्या कर रहे हैं निकलो भागो कर मेरे मन को। मैं जा रहा हूँ भाई, जाओ तू सो। हम सो का कर रही हो? और हैरी कहाँ है? हैरी तो सो रहा है। देखो हमको मालूम है कि तुम हमारे कमरे में क्यों आई हो, पर हैरी हमारा बचपन का दोस्त है, हम उसको धोखा नहीं दे सकते हैं। सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। हैरी जैसा दिख रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। कितनी भोली है यार ये, मुझे कभी कभी ना उस पर बहुत प्यार आता है कसम से। एक बेचारी को नशे करके पता ही नहीं चला कि तेरा कमरा है कि मेरा कमरा है। ओए ओए गुल्लू, ओए बाबू, खड़ी हो पागल, हमारा कमरा नहीं है। सॉरी यार, तेरे ना रात वाले नशे बंद कराने पड़ेंगे मुझे, चल खड़ी हो। सॉरी यार। कि गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलजार, और किताब पढ़ने वालों को हम सभी का नमस्कार। क्या बात है, वाह क्या लिख दिया भैया, मजा आ गया। क्या कर रही हो तुम भी उठो। क्या कर रही? हाँ कर रही। अरे देखो हैरी देख लेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम हैरी से इतना डरते क्यों? हम डरते नहीं, हम दोस्त हैं उसको। ये सब गलत है यार, तुम छोड़ो हमको। हैरी हैरी यार, बेबी तू इतनी भोली है ना, स्टूपिड काम करती है। मयंक तेरे को अगर बुक पर रखनी है तो भाई नीचे मेज रख लेना, मेरी बंदी से अपने आप को उठवा रहा है। 80 किलो का है तू। किताब बेबी तुम्हारी लॉकडाउन में सब्जी बनाने की बारी है ना, चलो बनाओ जाओ। ओए तूने झाड़ू मारना ना। तुम मिले दिल खिले और जीने को। अबे तुम घोंचू हो क्या? तुमको दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो। हम तुमको पहले वॉर्न किए थे और दोबारा बता रहे हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, और तुम दोस्त हो इसलिए बता रहे हैं। यार हम पे लाइन मारती है यार वो हर वक्त।
पागल, तू उसे बुक वाली बात पे जज कर रहे है ना? अरे स्टुपिड, वो तेरी हेल्प कर रही थी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ भाई, हम 2 हफ्ते से डेट कर रहे हैं। मैं उसे इन एंड आउट अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है वो। पागल, ऐसा खींच के चमाट मारेंगे ना तुमको कि सारी है तुम्हारी आस की निकल जाएगी 2 मिनट में। अब तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? अब मैं समझ गया, तेरे को यही जलन हो रही है ना कि अब वो आ गई है तो मैं तेरे को कम टाइम दूंगा। मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे भाई, मैं उन फुद्दू दोस्तों में से नहीं हूँ जो बंदी के आती ना भाइयों को भूल जाए। मैं तेरे को भी पूरा पूरा टाइम दूंगा, तो टेंशन ना ले। अगर कुछ गलत हो गया ना तो फिर हमारे सामने ये थोबड़ा लेकर मत आ जाना मुंह फुलाए हुए। खोचू हमको तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? यही कि अब हम तुमको बहुत अच्छे समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हो? कि जो तुम हैरी के साथ कर रही हो वो गलत कर रही हो। हैरी के साथ क्या कर रही हो? उसको धोखा दे रही हो। अरे अगर तुमको वो पसंद नहीं है तो फिर उसके साथ रिलेशनशिप में काहे हो? तुम सच्ची जानना चाहते हो? हाँ, क्योंकि हैरी एक नंबर का घोचू है, खुद से भी ज्यादा मुझ पर यकीन करता है। एंड आई नीडेड अ शोल्डर टू क्राई एंड आई जस्ट कुडंट से नो। तुम्हें पता है उसे मेरी हर बात अच्छी लगती है, पर मुझे तुम पसंद हो, ये तुम्हें पता है, और तुम्हें मैं पसंद हूँ, ये मुझे पता है। बताओ तुम्हें मैं हॉट नहीं लगती? मतलब ये बात नहीं है, ठीक है, बट तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? पसंद तो हो, पर हैरी तो कौन बताएगा उसको? हैरी को, पर हैरी तो हमारे दोस्त। Close your eyes. देखा है? हमने कहा था ना कि ये औरत एक नंबर की धोखेबाज है, पर तुम तो हमारी बात सुनते ही नहीं हो। तुम्हारी तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तुमने सही कहा था, ये इंसान एकदम घोचू है, घोचू घोचू। और बताते हैं है? एक मिनट, उस दिन जब तुम हमारे कमरे में आए थे सुबह और ये हमारे कमरे में सो रही थी, तब तुमने कहा था कि अरे हमारा बेबी गलती से इस कमरे में आ गया। वो गलती नहीं थी, वो जानबूझ के आई थी हमारे कमरे में। वो तो हम तुम्हारे दोस्त हैं तो हमने कुछ करा नहीं, वरना कोई और होता ना तो सोच लो काका हो जाता। और जब वो उस दिन जब ये हमको उठा रही थी, तुम बोले थे कि किताब 80 किलो के है, हाँ, हाँ। हमको लपक के पकड़ ली थी पीछे से, एक नंबर की फ्लर्टी औरत है ये। सामान उठा और निकल। सामान उठा और निकल। I love you, Harry. निकल! Fine. बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं, ऐसा है मुंह मत बनाओ, काम करो, तुम्हारी ब्रेकअप पार्टी का ना इंतजाम करते हैं। ऊपर चोपड़ा अंकल जो है वो लॉकडाउन से पहले ही ना बाटली रख रखे हैं बहुत सारी, हम जाते हैं लेकर आते हैं, पूरी रात दोनों भाई मिल के दारू पियेंगे। मैंने उसको ना यहाँ जगह दी थी, उसने मुझे कहीं जगह नहीं दी। चुप करो यार। ठीक है, सोडा ले लेना चोपड़ा साहब से। ठीक है, आ रहे हैं, जल्दी आइयो। रोना मत। हाँ आ जाएगा मजा। क्या ये कहाँ है, ये वापस कहाँ आ गई? अभी अभी खबर आई है ना, वो एक हफ्ते का लॉकडाउन हो गया ना, तो बेचारी कहाँ जाती, मैंने फोन करके वापस बुला लिया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमको अभी भी इस पे भरोसा है? यार उसने कान पकड़ के सॉरी बोली और ये भी बोला है कि मैं आज के बाद नहीं करूंगी। नहीं करेगी ना बेबी, चल उसको बोल। देखिए तेरे को भी सॉरी बोल रही है। देखो हमको इस पे 1% भरोसा नहीं है, तुम इसको बाहर निकालो। देख आंसू देखना इसके, मेरे को इसके आंसू में सच्चाई लग रही है। मैंने इसको माफ कर दिया, चल अब तो भी बड़े दिल का बन जा, जा दिखा दे बड़ा दिल, कर दे माफ। पक्का तुम अब इसको धोखा तो नहीं दोगी? नहीं देगी ना, नहीं देगी, कर दे माफ।
चलो तुम कह रहे हो तो माफ किया। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताओ अपना बेस्ट पार्ट और शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं वहां पे भी छोटी छोटी फनी फनी वीडियोस बनाता रहता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो अपने आप को स्वस्थ रखो, खुश रखो, अपना क्वारंटीन में रहो, घर में रहो, सेफ रहो। और अगर बाहर निकलना पड़ रहा है तो डबल लेयर ट्रिपल लेयर का मास्क जरूर लगाओ दोस्तों। बाकी मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ और प्यार बनाए रखो। लव यू गाइस, बाय बाय।